प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो लास्ट जो चैप्टर है, प्ले है, ये ड्रामा है। इसका नाम है बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। एक टोकरी भरी हुई किससे? समुद्री मछलियों से। एक किस्म की मछली होती है, ठीक है। तो इस प्ले में जो है कैरेक्टर्स हैं, जो काम करने वाले हैं वो कौन कौन हैं? एक है द ऑनरेबल लॉर्ड फिंडहॉर्न। इसका नाम है यहाँ पे, ये ऑनरेबल क्यों लगाया इसके साथ? क्योंकि ये एक जज है, एक स्कॉटिश जज। विलियम ब्रॉडी ऑफ ऑल्टन, ये भी एक कैरेक्टर है। ये भी स्कॉटिश लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार, यानी इसके पास बहुत ज़मीन है, ये बहुत अमीर है। जीन लोमूड एक लेडी है, पीजेंट वुमन, एक किसान, मतलब एक मिडिल क्लास लेडी है, यानी ज़्यादा अमीर नहीं है। कॉलोनियल लॉयनल एलॉडिस, कॉलोनियल लॉयनल एलॉडिस यानी चीफ कांस्टेबल है, ये एक पुलिस वाला है, चीफ मतलब हाई रैंक का। तो जब हम स्टार्ट करते हैं प्ले, तो प्ले कैसे स्टार्ट होता है? द सीन ऑफ द प्ले इज़ द हॉल ऑफ अ स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज, द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड लार्क फिंडहॉर्न इन ए लोनली वैली इन द वेस्ट हाईलैंड्स। अब ये स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि स्कॉटिश बोला है उन्होंने। तो वहाँ पे जो सीन है, एक स्टार्ट होता है एक छोटे से हॉल से, जो कि एक ऐसा लॉज है या एक ऐसी वो वहाँ पे उन्होंने हट बनाया हुआ है, जगह बनाई है किसके सामने, किसके साथ, जहाँ पे शूटिंग और फिशिंग यानी शिकार भी होता था और फिशिंग यानी मछलियों को भी पकड़ा जा सकता था। ऐसी जगह पे बनाया हुआ है जो किसकी प्रॉपर्टी है? लॉर्क फिंडहॉर्न की। एक जज है, जहाँ पे हमने वो देखा था, जज है एक। और इसने यहाँ पे क्यों बनाया? इन्हें लोनली वैली, एक अलग थलग जगह पे बनाया है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने अपनी जो है अपने लिए अपना जो वीकेंड होता है या छुट्टियों का टाइम जो होता है वो बिताने के लिए ऐसी जगहों पे ये अपने लिए कुछ बना के रखते हैं, कुछ बिल्डिंग बना के रखते हैं, प्रॉपर्टी बना के रखते हैं, ताकि वो अपना कुछ टाइम जो है शोर गुल से दूर कहीं बिता सके। इट इज़ स्पार्सली फर्निश्ड। स्पार्सली मतलब इसमें जो है ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, थोड़ा बहुत है, कुछ कुर्सियाँ हैं, टेबल है, ऐसा कुछ है। द एटमोसफियर इज़ वन ऑफ लोनलीनेस बॉन्डरिंग ऑन द ईरी। जो यहाँ का माहौल है वो कैसा है? बिल्कुल सुनसान लग रहा है और थोड़ा डर भी है। डर क्यों है? क्योंकि ये रात का टाइम है। देयर आर टू डोर्स, इस कमरे के, इस हॉल के दो दरवाजे हैं, एक बाहर निकलने के लिए और दूसरा दूसरे कमरे में जाने के लिए, जो कि यूज्ड बाय द ओनर एज ए स्टडी। जो कि ये फिंडहॉर्न जो है किसके लिए यूज़ करते हैं? बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। टेलीफोन साइड ऑन आर विद जग एंड टू ग्लासेस, के आर वगैरह रखा उन्होंने कि निशाने रखे कहाँ कहाँ पर। एक टेलीफोन है, एक साइड बोर्ड है जिसपे एक जग और दो गिलास रखे हुए हैं। लॉर्ड फिंडहॉर्न इज सीटेड एल बाय टेबल इन सी, ये एक टेबल के साथ ही एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ही वियर्स ए डिनर जैकेट, डिनर जैकेट यानी शाम का टाइम, रात का टाइम है। ही इज़ एन एल्डरली मैन, ऑब्वियसली ए लॉयर विद ए कीन बट काइंडली फेस। ये एक कौन है? लग रहा है कि इनका जो बोल चाल का ढंग है, पहनने का ढंग, इसे लगता है कि ये एक लॉयर है, वकील है, और एक एल्डरली मैन है यानी 50 प्लस है। एट द अदर साइड द टेबल, नॉट ए वेरी लार्ज वन, इज हिज गेस्ट। और उस टेबल के दूसरे साइड, एक साइड में ये बैठे हुए हैं, दूसरे साइड में एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि इसकी रैंक का नहीं है, इसके रैंक का नहीं है, ये इसका क्या है, मेहमान है, और इनका नाम है विलियम ब्रोडी।
हु इज़ ऑल्सो इन ए डिनर जैकेट, इन्होंने भी डिनर जैकेट ही पहनी है, यानी रात का टाइम है, इन्होंने नाइट सूट पहना हुआ है, खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे हैं. ही इज़ ए यंगर मैन देन फिंडहॉर्न एंड बिलोंग्स टू द सेम क्लास अपर मिडल एज हिज होस्ट. ये फिंडहॉर्न से थोड़े छोटे हैं और एक अपर मिडल क्लास में बिलोंग करते हैं, यानी ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ज़्यादा गरीब भी नहीं है. एज द कर्टन राइजेज देयर इज़ अ मून ऑफ डाइंग विंड. जैसे ही प्ले स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले आवाज़ आती है सुनसान जगह की हवा की, जहाँ पे हवा जो है वो पत्तों को, पेड़ों को, झाड़ियों को, टहनियों को हिला रही है, वो आवाज़ आ रही है. अब ये डायलॉग्स हैं, ये हम ऐसे पढ़ेंगे. जज क्या कह रहा है, द विंड इज़ डाइंग डाउन. विंड जो है वो यहाँ से निकल कर आगे जा रही है, यानी घूम रही है. Brody rise and goes to window, peering through curtains. Yes, but it doesn't look too good. अब Brody उठ के कहाँ जाता है, खिड़की के पास, और पर्दा उठा के बाहर देखता है और कहता है, हाँ हवा तो चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हवा कुछ अच्छी हवा है, इसमें कुछ डर जैसा है. जज, नो इट सेल्डम डज इन दीज पार्ट्स. जज ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर अक्सर ऐसी हवाएं चलती रहती हैं, क्योंकि ये ग्रीनरी एरिया है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए ऐसा लगता है. Brody पुटिंग बैक curtains स्लाइटली shivers, नो. Brody ने जल्दी जल्दी पर्दा फिर डाला और हवा की वजह से थोड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे थोड़ी कूलनेस थी, शिवर करने लगा और उसने कहा, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. जज स्माइल्स एज Brody रिटर्न्स टू हिज चेयर, टू एरी फॉर यू. अब इसको इसकी बात भी हंसी आई, यानी इसको लगा इसको ये डर रहा है ये. अब इसने इसको मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुम थोड़ा इस हवा से डर रहे हो. एट नाइट दिस प्लेस बिकम्स वेरी आइसोलेटेड डिस्पाइट वेविंग हिज हैंड इलेक्ट्रिक लाइट टेलीफोन वायरलेस एंड सो ऑन. उसने क्या कहा, क्योंकि एक आइसोलेटेड प्लेस था, यहाँ पर कोई नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, लोग नहीं थे. अब इसने थोड़ा मजाक में कहा कि रात को ये थोड़ा और सुनसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि बिजली के लंप है, टेलीफोन है, वायरलेस है, और भी चीज़ें यहाँ पे, कुर्सी है, टेबल है, लेकिन फिर भी ये सुनसान हो जाता है, यानी यहाँ पे और कोई नहीं है. आई एम वेरी सेल्डम ऑनर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेडीज एंड माई एडिनबर्ग मेड्स पोलाइटली रिफ्यूज टू कम. कहता है, मुझे लेडीज़, यानी ये एक इन्होंने एक वो मजाक जैसा किया है कि लेडीज़ मुझको ज़्यादा ऑनर नहीं देती है, मेरे पास यहाँ नहीं आती है, और जो मेरी मेड्स हैं, जो मेरी जो काम करने वाली हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बिल्कुल शराफत से यहाँ पर आने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी यहाँ पे आने से डरती हैं. Brody आई लाइक द प्लेस. अब ये थोड़ा हिम्मत करके कह रहा है कि मुझे ये जगह तो अच्छी लगी. जज इट इज़न्ट एवरी बॉडीज़ कप ऑफ टी. यहाँ पर रहना हर एक के बस की बात नहीं है, इसका मतलब यही है. बट इट इज़ अ चेंज फ्रॉम टाउन एंड आई फाइंड आई कैन म्यूज अवे द डेज वेरी प्लेजेंट. लेकिन ये थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि टाउन्स में, सिटीज़ में बहुत सारा ट्रैफिक है, शोर गुल है, तो कभी कभी मैं यहाँ पर कुछ दिन बिताने के लिए आता हूँ. Brody एंड द नाइट्स, और रातें, यानी दिन तो निकल जाते होंगे लेकिन रातें कैसे निकल जाती हैं आपकी यहाँ पे इस सुनसान में, इस डरावने एरिया में. जजेस ऑन सम नाइट्स आई कन्फेस आई बिकम ए किड अगेन एंड आई हियर स्ट्रेंज साउंड्स इन द ग्लेन. क्या कहता है, हाँ हाँ कभी कुछ कुछ रातों में ऐसा हो जाता है कि मैं बच्चों की तरह डरने लगता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं. Brody मैनी लेजेंड्स, तो यहाँ पर जो है कुछ कहानियाँ भी होंगी, कुछ ऐसे हादसे भी हुए होंगे. जज प्लेंटी, बहुत सारे. वुड यू लाइक टू हियर सम ऑफ देम, क्या तुम उनमें से कुछ सुनना चाहते हो. Brody नो थैंक यू वेरी मच. बोथ लाफ, टुमारो इफ़ यू लाइक नॉट टू नाइट. उसने कहा, नहीं नहीं शुक्रिया, और दोनों को हंसी आ गई और कहा, Brody ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम सुनाना चाहो तो कल सुना लेना, लेकिन आज रात को नहीं, क्योंकि ये वैसे ही डरा हुआ था. जज वेल आई एम यूज टू दिस प्लेस बट आई एडमिट दैट टू नाइट इज़ जम्पिंग.
जज कहता है कि मुझे तो इस जगह की आदत पड़ गई है, यहाँ के सुनसान एरिया की, यहाँ पे हवा की, यहाँ के मौसम की, तो लेकिन मुझे लगता है आज की रात कुछ अजीब जैसी है, आज की रात मुझे भी कुछ डरावनी जैसी लग रही है। इट इज़ परहैप्स दैट वेरी पिक्यूलर विंड वी हैव हैड ऑल डे। इसकी शायद वजह यही होगी कि आज पूरे दिन जो है कुछ अजीब सी हवा जो है वो चल रही थी। ब्रोडी, बट यू रादर लाइक लोनलीनेस। अभी इसको और थोड़ा पिंच कर रहा है, कहता है लेकिन तुम्हें तो सुनसान एरिया पसंद है, तुम तो लाइक करते हो। जज, गुड थिंग्स फॉर मी आई डू। एनी जज इज़ अ सॉलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो। यू हैव नो आइडिया हाउ लोनली अ जज फील्स ऑन द बेंच, मच मोर लाइकली देन द लेड इन द डॉक अपोजिट हिम। एंड देन आई एम ए बैचलर, वॉट राइजेज वॉट अबाउट ए ग्लास ऑफ पोर्ट। अभी बातें करते करते खड़ा हो जाता है, क्या कहते हैं, हाँ हाँ ये लोनलीनेस जो है, ये सुनसान एरिया जो है, ये अकेलापन जो है मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक जज के लिए जो है ये सुनसान रहना या अकेला रहना अच्छा है, क्योंकि जब एक जज जो है कोर्ट में होता है, अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, तब भी वो अकेला ही होता है वहाँ पे। उसको जो फैसला सुनाना होता है या वो जो वो केस सुनता है, वो भी अकेले ही सुनता है। और ये ऐसी ही है जैसे कि एक लीड, यानी एक कोई भी जानवर हो, छोटा सा मेल जानवर हो, हाँ, उसके सामने कोई खाने की चीज़ रखी हो और वो उसको खा भी ना पा रहा हो। एंड देन आई एम ए बैचलर, और इसके अलावा क्या है कि मैं एक बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है। और ऐसा करते करते ये उठ जाता है और क्या कहता है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम एक एक गिलास जो है या एक एक पैग जो है वो ले लें। ब्रोडी ने क्या कहा, थैंक यू जज, ठीक है, शुक्रिया। जज, 1900 ही पेयर्स आउट टू ग्लासेस ऑन द टेबल। आई हैव ऑलवेज फाउंड ओल्ड वाइन ए गुड क्योर फॉर रॉ नर्व्स। 1900 नाम था इस शराब का, इस वाइन का। से कहा, दो गिलास उठा के कहा कि मुझे, मैंने ये देखा हुआ है कि जो पुरानी शराब होती है वो डर को कम कर देती है। जज सिट्स डाउन एंड दे टोस्ट ईच अदर। अब वो नीचे बैठ गए और उन्होंने अपनी जो गिलास है वो एक दूसरे के साथ टकराए।